अभी दासी ने बताया महारानी, राम को राज अभिषेक होने जा रहा है, शीघ्र से तैयारियां करो। धन है विधाता तेरी जय हो। आज मेरा बेटा राम राज सिंहासन पर बैठेगा। धन है तो क्यों न मंगल गीत गाऊं। पहले मंगल गीत गाऊं, जब मेरा बेटा आएगा तो उसको मैं सुनाऊंगी कि बेटा राम आप तुझे अयोध्या के सिंहासन पर बैठना है और राजा बनना है। तो मेरा बेटा राम बहुत प्रसन्न होगा, बहुत प्रसन्न होगा। धन है विधाता तेरी जय हो। गौरी मंगल मैया के चरणों में राम करता है। राम गीर घाई हो मेरा बेटा राम। बेटा राम मैया मेरे लाडले जानकी, बेटी जानकी लाओ कंचन की थाली लाओ। सबसे प्रथम मैं अपने बेटा राम को तिलक कर दूं। बेटा राम देखो आज बड़ा शुभ दिन है। मेरा बेटा राम आज अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर के बैठेगा। बेटा मेरे लाडले मन की बगिया में राम, मन की बगिया I'm
दोबारा ना उठ सके, क्यों ये राम है क्या? तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों की धूल धन है, तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों की धूल मैया मैं हूँ, मैया मैं हूँ तुम्हारे चरणों की धूल, मैया मैं हूँ तुम्हारे चरणों की धूल। जय हो हे विधाता पुत्र दे तो राम जैसा दे अन्यथा बांध दे। लेकिन मैं कहता हूँ कि संसार में जिसको भी विधाता माँ दे, भगवान जिसको भी माँ दे तो हमारी माँ जैसी माँ दे। चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा है, लेकिन हमारी माँ को प्यारों से प्यारा ये लल्ला तुम्हारा है। पिताजी के पास से आया? हाँ। अच्छा, तो पिताजी ने तुम्हें राजा बना दिया? हाँ माँ, आपने कहा कि राम आज मैं तुम्हारा तिलक करूंगी, तो हाँ माँ। राजा ने कहा था कि मैं बेटा राम को राजा से करूंगा। हाँ माँ, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। क्यों माँ, राजा कैसा बना दिया? माँ, पिता दीन मोह कानन, पिता दीन क्या दिया? पिता दीन राज्य दिया। हाँ माँ, पिता दीन मोह कानन राजू। बड़ा भी दर्द
la
बिगाड़ ले। पिता ने भी तुम्हें बन कैसे दे दिया, राज देने को कहा था, परंतु तुझसे कोई ना कोई अपराध हो गया है भैया, इस कारण से तुम्हारे पिता ने राज ना दे करके बन दे दिया। सत्य बताओ। बात बिल्कुल सत्य है। उस माँ से पूछो जिस माँ के कोई पुत्र ना हो, उस नारी से पूछो जिसके कोई पुत्र ना हो, जब संसार वाले उसे बांझ नाम से पुकारते हैं, कहते हैं देखो ये बांझ जा रही है, लेकिन बांझ नाम कहते हैं और अनेक कष्टों को सहती है, फिर कभी इस मंदिर में जाती, कभी उस मंदिर में जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे विधाता मुझे केवल एक ही पुत्र दे दो जिससे मेरा ये बांझ नाम मिट जाए। और जब उसकी गोदी भर जाती है तो वह नाना प्रकार से खुश होती है। बांझ की पीड़ा होती क्या है, उससे पूछो जो बांझ हो। माँ बन जाने का कारण मजली माता के पिताश्री के ऊपर दो वरदान थे। तो पहले वरदान में मजली माता ने भैया भरत को अयोध्या का राज मांगा और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों का वनवास, तापस वेश, विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन आप धैर्य को धारण करें माँ। क्या मजली माता, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ मोरे ला।
मेले डाली तो तुम्हें पिता ने आज्ञा नहीं दी। हाँ पिता दीन मोहे कानन राजू, जही सब बात मोर बड़ काजू। पिता ने दिया तुम्हें बन। हाँ पिता दीन मोहे कानन राजू, केवल पिता ने आज्ञा, उसमें सहमति मांगी। केवल पिता की आज्ञा है तो बेटा राम सुनो। जो के बलो पितो आयो से ताता तो जन जाओ जान परिमाता। अगर केवल पिता की ही आज्ञा है मेरे लाड़े माँ, तो मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ। हाँ लेकिन वो भी माँ है ना, अधिकार बड़ी माँ का होता है। ये तुम सब कुछ को जानती हो बेटा, मैं रोकती हूँ ना जा। लेकिन माँ मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है जैसा जैसा था मुझको राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। क्योंकि यदि मैं बन नहीं जाऊंगा तो पिताजी के वचन फीके पड़ जाएंगे और राजा का भी वचन फीका पड़ जाएगा। हाँ, और आप एक छत्राणी माँ हैं, छत्राणी नारी हैं, क्या आप राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती हैं या अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती हैं? ये बात तो सच है, लेकिन मैं बड़ी माँ हूँ ना, अगर माँ ने आज्ञा दी है तो कोई बात नहीं। दोनों की माता पिता की दोनों की आज्ञा हो तो बेटा फिर मैं बेबस हो जाऊंगा। क्यों नहीं, माता और पिता दोनों की आज्ञा है। किस माता ने? मछली माता। मछली माँ। हाँ बेटा राम, तेरे लिए क्या मैं, क्या मछली, क्या छोटी, अरे माताएं तीनों बराबर तेरे लिए हैं। अगर ऐसा है तो बेटा राम जो पित मा तो कहे वो बन जाना, तो कानन सत्यवाद समाना। अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो बेटा राम वो बन तुम्हें सौ अयोध्या की समान हो, ये मेरी आज्ञा। जय हो माता, जय हो। बोलिए कौशल्या महारानी की जय। इसी बात पर